मंदसौर में लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जिला सेन समाज द्वारा मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि लगभग 2 माह से लॉकडाउन के कारण सेन समाज का व्यवसाय बंद है। सेन समाज का जीवन यापन का साधन शौर्य कार ही है। अगर समाज के लोग शौर्य कार नहीं करेंगे तो ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। सेन बंधु रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, इसलिए सेन बंधु ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि केश शिल्पी योजना का लाभ दिया जाए तथा शहरी क्षेत्र में जो सेन बंधु निवास करते हैं उन्हें 8,000 रुपये माह व ग्रामीण 5,000 रुपये माह की आर्थिक सहायता देने की कृपा करें। जिला सेन समाज के नेतृत्व में आज विधायक जी को मुख्यमंत्री के नाम एक सेन समाज के द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में मांग की है कि सेन समाज के बंधु सैलून व्यवसायी जो लगभग 2 माह से बिल्कुल बेरोजगार हैं उनके लिए सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाए, उसी को लेकर के हमने आज विधायक जी से चर्चा करी है। विधायक जी को ज्ञापन दिया है। विधायक जी ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री से संपर्क करके चर्चा करके अति शीघ्र आपकी मांग का निराकरण करेंगे और सेन बंधुओं को निश्चित रूप से इसका लाभ दिलाया जाएगा और इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। इसी को लेकर के सेन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज विधायक जी से मिला है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है, इसलिए समाज के प्रतिनिधि आए, पूरा समाज नहीं बुलाया गया। धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं लगातार उन लोगों से संवाद करता हूँ और टिप्पणी थोड़ी मेरी कड़वी और तीखी भी होती है। व्यापार व्यवसाय करने वाले सब तरह के लोग हैं, बहुत निचले स्तर के भी लोग हैं जो 2 जून की रोटी कमाने की स्थिति में रहता है और मिडिल क्लास के भी व्यापारी और हाई उच्च स्तरीय व्यापार व्यवसाय करने वाले भी लोग हैं। अभी लगातार 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूं कि अनेक व्यापारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से, जन नेताओं से, शासन से, प्रशासन से अपने व्यापार व्यवसाय खुलाए जाने को लेकर के बड़े संवाद किए। बैठकों का दौर दौरा भी चालू रहा, लेकिन कभी कभी मन होता है कि बहुत नीचे के स्तर वाले जो व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग हैं उन्होंने इस पूरे लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत धैर्य धारण कर रखा है। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं, BPL वाले, और शायद इसीलिए इस वर्ग को जो मैं आपको नाम भी गिनाऊंगा वो कई लोगों के पास गरीबी रेखा के कूपन भी हैं, क्योंकि उनका जो अपना व्यापार व्यवसाय वो इस प्रकार का नहीं कि साल भर तक अगर कारोबार नहीं चलेगा तो वो पूरे परिवार का संचालन कर पाएंगे। रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना, ऐसी स्थितियां निर्मित होने वाले भी अनेक व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग हैं। तो मैं पीछे जाऊँगा थोड़ा सा कि अभी लगातार जो परिस्थितियाँ इस देश की चल रही है, प्रदेश की चल रही है, हमारे अपने ज़िले की चल रही है, धोबी समाज के लोगों ने, नई समाज के लोगों ने, कुम्हार समाज के जो लोगों ने जो मटके वगैरह बनाते हैं गर्मी के सीज़न में, सेन समाज के लोगों ने अपने सारे कारोबारों को लॉकडाउन के अंतर्गत पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया और उसके बावजूद भी उन्होंने ये रह करके नहीं कहा कि हमारी दुकान कब खुलना चाहिए, 2 घंटे की छूट दी जाए या 4 घंटे की छूट दी जाए, कभी सामने नहीं आए। लेकिन उनकी उनकी पीड़ा, उनकी परेशानी अंदर ही अंदर उनकी आर्थिक ताकत को कमज़ोर कर रही है। पूरा परिवार, पूरा समाज लड़खड़ाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी, मेरी भी आपके समाज से चर्चा हुई है, सेन समाज के लोगों से चर्चा हुई है और मैं निश्चित रूप से इस संवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। अभी भी जब भारतीय जनता पार्टी की OBC का, पिछड़े वर्ग का 12 बजे हमारा जो एक बैठक है, जो सीधा संवाद हो रहा हमारा, उसमें भी मैं इस विषय को रखने जा रहा हूँ, क्योंकि सेन समाज के ऊपर, नई समाज के ऊपर तो एक दोहरी मार है। इस बात की मार है कि कुछ प्रकरण टॉवेल के कारण से, कुछ प्रकरण उस्तरे के कारण से पॉजिटिव में तब्दील हो गए। बड़े नगर उसका एक उदाहरण है। तो ऐसे में मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, अभी आपके समाज के ऊपर से, सेन समाज के ऊपर के ऊपर इस कारोबार को लेकर के अभी संशय है, दुकानें खुलेगी कि नहीं खुलेगी, और खुलेगी तो क्या ग्राहक आपके यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कितना वो सावधान रह करके और आपके सैनिटाइजेंस के माध्यम से उन उस्तरों को, उन कैंची को, उन कंगों को, उन टॉवेल को इस्तेमाल कर कर करके इस कोरोना के इस विश्वव्यापी बीमारी से उस ग्राहक को या ग्राहक आपको बचा पाएगा, ये सब
प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से भी और भारतीय जनता पार्टी की चूंकि मध्यप्रदेश में सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सेन समाज के लोगों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं पिछले समय में चालू की थी। अभी संकट में है पूरा समाज और मैं फिर दोहराऊंगा कि न केवल सेन समाज बल्कि आप भी की तरह के जो अन्य समाज के लोग हैं जो बहुत छोटे व्यापारी मोची बूट पॉलिश करने वाला संगठित नहीं है, बोल नहीं पा रहा है कि मेरे जूते की पॉलिश करने की दुकान कब खुलेगी, कुम्हार बोल नहीं पा रहा है कि मैं सड़क पर मटके कब बेचूंगा, नाई नहीं बोल पा रहा है, धोबी नहीं बोल पा रहा है, बहुत छोटे छोटे लोग नहीं बोल पा रहे हैं, होटल हलवाई वाले सब प्रकार के रोज, इनको सबको अवेयरने का काम, इन सबको मुख्यधारा में जोड़ने का काम, इनको आर्थिक संबल देने का काम भारत की सरकार भी करे, राज्य की सरकार भी करे और जो मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसको मैं अग्रेषित करने का काम करूँगा और अपनी बात अपनी आवाज़ इस समाज के अन्य समाज के पक्ष में पक्षधर बनकर के करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मंदसौर से नरेंद्र मुदिया की रिपोर्ट।